अरविंद केजरीवाल के माता पिता ने नामांकन पत्र दाखिल करते हुए या इस दिन पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। 70 में से 70 सीटें आ रही हैं। 70 में से 70? 70 पक्का आशीर्वाद दिया बेटे को तीसरी बार पक्का। हाँ आशीर्वाद दिया, क्योंकि कल आपने आशीर्वाद दे के आ गए। अच्छा तीसरी बार शुरू हो गई, आशीर्वाद दे के आ गए। तीसरी बार भी जीतेंगे। जीत का कितना आपको? अब हम 2-3 घंटे नहीं बैठ सकते वहाँ पे, 2-3 घंटे लगेंगे वहाँ पे, इसलिए हम नहीं बैठ सकते। तो अरविंद केजरीवाल के माता पिता को आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल के माता पिता भी इस बात का आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद दिला रहे हैं कि इस बार हम 70 में से 70 सीटें जीतेंगे और फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के लिए होंगे। जाहिर तौर पर एक तरफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जहाँ अपने खोए हुए जनाधार जो कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के सामने अपनी सत्ता को बचाए रखना है या फिर दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली के वोटर्स ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया था दोनों चुनाव में, पिछले दोनों चुनाव में, एक बार फिर से उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।